किसान भाई, पराली की जो समस्या है वो किसानों के साथ साथ जितने भी कृषि के विभाग हैं उन सब के लिए इसका प्रबंध बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है कि हम इस चीज़ का प्रबंध यानी कि पराली का हम प्रबंध कैसे करें। किसान भी इस चीज़ से परेशान है और कृषि विभाग की सारी विभाग भी इस चीज़ से परेशान है। लोग बाग भी यही सोचते हैं और सरकार भी यही चीज़ सोचती है कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण का मेन कारण किसान है। जबकि आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को बता दिया है कि जितने भी प्रदूषण है, जितने भी आज के टाइम में पॉल्यूशन हो रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ 4% श्रेय किसानों को जाता है, बाकी ये बताइए 96% से किसको जा रहा है। तो दोस्तों, पराली किस प्रबंध के बारे में आज की वीडियो का हमारी टॉपिक रहेगी। पराली का हम प्रबंध यानी कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। प्रबंध करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पहला तो पूसा डिकम्पोज और दूसरा है जो इतने सारे आज के टाइम में हमारे पास मशीनरी है वो सारी चीज़ें। तो पहले नंबर की हम बात करते हैं पूसा डिकम्पोजर की। तो पूसा डिकम्पोजर जो है किसान भाइयों, जमीनी स्तर पर उतना काम नहीं कर रहा। मैं खुद एक क्रिएटर हूँ और मुझे जब ये पूसा डिकम्पोजर लेना हुआ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। एक तो जल्दी मुझे मिल नहीं रहा था और मिला भी तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे मिला, कह सकता हूँ कि एक टाइप से कालाबाजारी थी। तो मुझे जितना क्वांटिटी मिला था, बाकी कुछ तो मैंने यूज़ किया जिसमें से 3 बॉटल मैंने यूज़ किया था और बाकी जो भी मेरे आसपास के किसान भाई थे उन किसान भाइयों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको बताया इसके बारे में। अब जो दूसरा जो चीज़ आता है किसान भाई, यानी कि मशीन का, तो मशीन के ऊपर आज की पूरी वीडियो को हम रखेंगे कि पराली प्रबंध के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी मशीन है, यानी कि अच्छे तकनीक की कौन कौन सी मशीन है और उसका ऑन रोड प्राइस क्या है। और एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यूपी गवर्नमेंट ने ऐसे किसान भाइयों को जो पराली प्रबंध के लिए मशीन ले रहे हैं, मैं वीडियो में कवर करूंगा कि 5-6 ऐसी मशीन है जो बहुत ही बढ़िया मशीन है और उस पर उसके रेट के हिसाब से उस पर रेट पर बहुत ही अच्छा सब्सिडी यानी कि अनुदान दे रही है सरकार। तो इस चीज़ को हम लोग पूरी तरह से अच्छे से कवर करेंगे कि किस किस मशीन पर क्या क्या रेट है। तो वीडियो को क्या करते हैं किसान भाई, शुरू करते हैं। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन। चैनल पे आप नए हैं और इसी तरह की जानकारी चाहते हैं कृषि मशीनरी से, कृषि रोजगार से, खेतीबाड़ी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करके खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाइए। पराली प्रबंध के लिए जो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर का चीज़ है वो सुपर सीडर है। जितने भी इनोवेटिव फार्मर होंगे वो इस मशीन का जरूरी यूज़ क्योंगे। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले इस मशीन के बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी किसी भी फसल की आप बुआई करते हैं तो कम से कम आप अपने मिट्टी की, अपने ज़मीन की 2 से 4 बार जुताई ज़रूर करते हैं। लेकिन सुपर सीडर एक ऐसी चीज़ होती है तो इन सारी चीज़ों को 2 से 4 बार जुताई ना करके आप एक बार की जुताई में ही सुपर सीडर से काम चला सकते हैं। अब ये सुपर सीडर बहुत ही गहरी जुताई करता है और जुताई के साथ साथ वो बिजाई भी करता है। जैसे कि जितनी भी दाने वाली फसल होती है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया या फिर कह सकते हैं सोयाबीन हो गया, उन सारी चीज़ों को सुपर सीडर से आप बो सकते हैं। तो सुपर सीडर आपका जुताई भी किया और बुआई भी किया, इन चीज़ों से आप पराली का प्रबंध कर सकते हैं। जब गहरी जुताई करता है तो इसमें जो पराली होती है, पराली आपकी मिट्टी में मिलकर वो डिकम्पोज हो जाती है, खाद के तौर पर हो जाती है। अब इस मशीन की जो कीमत है किसान भैया, 2,56,000 रुपये है। अब इस पर जो सरकार की, यूपी गवर्नमेंट की जो अनुदान राशि है वो 1,05,000 रुपये है। तो सोच सकते हैं किसान भैया कितने अच्छे रेट पे आपको ये चीज़ मिल रहा है और सालों साल आप इसका यूज़ करके अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। अब जो दूसरा हमारा मशीन है वो कंबाइन है। कंबाइन का नाम तो बहुत पहले से आप सब सुनते आ रहे हैं और सभी कोई देखे होंगे। 99% किसान भाई कंबाइन का यूज़ भी किए होंगे और 99 किसान भाई देखे भी होंगे। अब कंबाइन का जो काम होता है, आप सब कोई को पता है कि कंबाइन फसलों को काटती है, काटने के साथ साथ हमें वही अनाज भी दे देती है जिससे हम डायरेक्ट मंडी में ले जाके बेच सकते हैं। बहुत ही समय बहुत ही ज़्यादा बचता है। अब जो किसान भाई, जो पुराना कंबाइन होता था, पुराने कंबाइन में होता क्या था, हमने फसल काटा और फसल काट के जो पराली होती थी वो किसी एक स्थान पे उसको हम लोग गिरा देते थे, मतलब निकाल देते थे। अब वहाँ किसान भाई क्या करते थे, उसको जला देते थे। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है, अब कंबाइन का भी काम ऐसे हो गया कि जब आपके धान को काटता है कंबाइन तो वो चारों तरफ आपके पराली को बिखेरता है। बिखेरने के बाद आप चाहे तो इसको आप जुताई कर सकते हैं, गहरी जुताई, या फिर और भी तरीके से आप इसको अपने पराली का प्रबंध कर सकते हैं। थोड़ा आसान होता है पराली का प्रबंध करना क्योंकि वो आप उसको चाहे तो मैन्योर के तौर पे भी तब्दील कर सकते हैं। अब ये कंबाइन का रेट होता है, कंबाइन काफ़ी बड़ी मशीन होती है तो इसका रेट जाहिर है कि काफ़ी महंगा होगा। तो अप्रोक्स कहूँ तो कंबाइन का जो रेट होता है वो 23 लाख के आसपास होता है। अब जो सरकार की इस पर सब्सिडी है कंबाइन पर, वो करीब 8,56,000 रुपये सरकार की सब्सिडी है। अब दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो अगला मशीन है वो है पैडी स्ट्रॉ चॉपर। नाम से ही जाहिर होता है कि ये स्ट्रॉ यानी कि पराली को काटने का काम करता है। इस मशीन का जो मेन काम होता है, जब भी आप अपने खेतों में धान की कटाई कर लेते हैं और जो पराली बच जाता है
उसको ये क्या करता है, ये मशीन उस पराली को काट देता है, काटने के साथ साथ पूरे आपके खेत में एक बराबर बिखेर देता है। इस मशीन का मेन काम यही है। एक स्ट्रॉ चॉपर भी होता है, स्ट्रॉ चॉपर से क्या होता है, उससे काट के आप अपने पशुओं को दाने चारे के रूप में खिलाते हैं। इस मशीन का किसान भी जो रेट है वो 285,000 रुपये है। अब इस पर जो सरकार की अनुदान राशि है वो करीब 80% अनुदान राशि है। तो ये मशीन किसान भाई आपको बहुत ही सस्ते रेट में आपको देखने को मिलता है। अब जो अगला मशीन है किसान भाई वो है बेलर। बेलर का नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हो और कभी इसका यूज़ भी करते हो आप लोगों को नहीं देखे होंगे, लेकिन ये भी आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आधुनिक यंत्र है। किसान भाइयों क्या होता है, जब भी आप अपने आपने धान की कटाई कर लेते हैं, कटाई के साथ साथ जब इसकी फसल की जब अच्छे से हार्वेस्ट हो जाता है, जो पराली बचता है इस बेलर की मदद से उस पराली को एक गुत्थी बना दी जाती है, एकदम राउंड टाइप का बना दिया जाता है। अब राउंड टाइप का बना के आप चाहें तो इसको मार्केट में बेच सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो चाहे तो आप इसको मार्केट में किसी भी माध्यम से आप इसको बेच सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट पर ये बिकता भी है किसान भाइयों। तो जो इस मशीन का जो रेट होगा वो करीब 11 लाख रुपये होगा और सरकार की जो इस पर जो सब्सिडी है वो करीब 5 लाख रुपये के आसपास सब्सिडी है किसान भाइयों। अब जो हमारे पास जो आखिरी जो मशीन है किसान भी वो है रीपर बाइंडर। नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि ये किसी बांधने का काम करता है और काटने का भी काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, ये एक ऐसी मशीन है जो आपके धान की फसल को काटता भी है और साथ ही साथ उसको बांधता भी है, बांध के किनारे भी कर देता है। इस मशीन में इस हिसाब से टेक्नोलॉजी तकनीक लगाई गई है। तो ये मशीन किसान भाई आपको 5 लाख रुपए में मार्केट में मिल जाता है और करीब सरकार की यूपी गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो करीब इस पर 50% यानी कि 2.5 लाख रुपए इस पर सब्सिडी है। ये सारी जितने भी मशीन हैं किसान भाइयों, इन मशीन से आप अपने फसल अवशेष यानी कि पराली का प्रबंध कर सकते हैं। अगर आपको इससे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धान का सीज़न है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि किसान भाई प्रदूषण से मुक्त हो सके और उन पर जो भी अपने पराली का प्रबंध अच्छे तरीके से कर सकें। जय हिंद, जय किसान।